राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण यानी मैं स्वागत करती हूँ। आज के जो अध्याय है उसमें हम द्वितीय वर्ष में जो पहला टॉपिक हमने शुरू किया था मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, उसका अगला जो खंड है यानी मुगलकालीन इतिहास के स्रोत, मुगलों के शासनकाल से लेकर के जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे शक्तिशाली हो रही है, जब हम आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं, उससे पहले हमारे लिए इतिहास के स्रोतों के रूप में कौन कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जो हमें जानकारी देती हैं, उसकी चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्रोत है वो है अकबरनामा। अकबरनामा, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसकी जो है रचना अकबर के शासनकाल का इतिहास देने के लिए की गई थी। अकबरनामा के लेखक, वैसे आप सभी परिचित होंगे, अबुल फजल थे। मुगल बादशाह अकबर ने इनको आदेश दिया था कि इनके शासनकाल का एक इतिहास लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें अकबर के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में। तो अकबरनामा के तीन भाग हैं। वैसे तो पहला भाग है, उसमें अकबर के पूर्ववर्ती शासकों का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास लिखा गया है और अकबर के जन्म पर आकर के ये भाग ख़त्म होता है। अकबरनामा का जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के पानीपत के युद्ध के बाद में राज्यारोहण से लेकर के, राज्यारोहण, पानीपत का युद्ध, अकबर द्वारा सत्ता संभालना, उससे लेकर के 1602 तक, जब तक अबुल फजल जीवित था, उसका इतिहास उसमें लिखा गया है। बाद में मोहम्मद वारिस ने एक अलग से अकबरनामा लिख करके अकबर के पूरा जो है आधिकारिक इतिहास शासनकाल का पूरा किया। अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए अकबरनामा अबुल फजल वाला ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकबरनामा का ही तीसरा खंड था आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है वो अकबर के प्रशासन का क्या प्रशासनिक ढांचा था, राज्यों में क्या प्रशासन था, राजस्व की क्या व्यवस्था थी, अधिकारियों के क्या कर्तव्य थे, किस तरह से उन पर नियंत्रण रखा जाता था, इन सब के बारे में हमें जानकारी ये ग्रंथ का तीसरा खंड प्रदान करता है प्रशासन के बारे में। अगर दूसरा भाग इतिहास बताता है, घटनाएं बताता है, तो तीसरा भाग जो है प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब हम इतने छोटे नहीं हैं कि हमें कोई भी चीज़ जब बताई जाए तो उस पर आँख मूंद करके विश्वास करें। आप सभी महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अबुल फजल जो था वो अकबर के नज़दीक में था और वो जो भी लिखेगा अपने स्वामी की प्रशंसा में लिखेगा, क्योंकि उसके आय का मुख्य स्रोत जो है वो स्वामी की अनुकंपा ही है। इस कारण अकबरनामा की जो रचना की गई वो इसी वजह से की गई। तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा होगी। दूसरी, ग्रंथ की एक सबसे बड़ी जो कमी हमें दिखाई देती है वो है कि इस ग्रंथ में ध्यान दिया गया है कि प्रशासन कैसा है, शासक वर्ग, दरबार, आम जनता का इतिहास हमें इसमें कहीं भी नहीं मिलता है। चलिए अब दूसरे ग्रंथ पर पढ़ते हैं, तारीख़ शेरशाही, या इसको तोहफा है अकबर शाही का नाम दिया गया है। अकबर ने जो है, अकबर की एक बात हमें काफ़ी अच्छी लगती है कि सिर्फ अपने वंश के शासकों का ही गुणगान नहीं करना था। शेरशाह सूरी, जिसने कि उसके पिताजी को पराजित किया, भागने को मजबूर किया, उसके कारण उसके पिता को इतने कष्ट भोगने पड़े, उसके प्रति भी शायद उसमें कोई द्वेष की भावना नहीं थी। उसने शेरशाह सूरी का समय का भी आधिकारिक इतिहास लिखने के लिए, एक अफगान था अब्बास खान सरवानी, इसने अधिकृत किया, तो उसने तोहफा अकबर शाही या तारीख़ शेरशाही, दोनों ही नामों से इस पुस्तक को जाना जाता है। इसमें शेरशाह के प्रशासन की, उसकी जनकल्याणकारी योजनाओं की आदि जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। अकबर के बाद आप जानते हैं कि अगला शासक बना था जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास, ऑफिशियल, उसकी जो योजनाएँ हैं, प्रशासन हैं, उसकी जानकारी मिलती है इकबाल नामा ए जहांगीरी से, जिसके लेखक का नाम है मुतमित खां। जहांगीर के शासनकाल का अगर आप आधिकारिक इतिहास, ऑफिशियल, यानी शासक जो चाहता है कि प्रजा उसके बारे में जाने, आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में सोचे, वो हमें इससे मिलता है। ध्यान रखें कि यहाँ जो है वही बात आ रही है, इतिहास दरबार केंद्रित, शासक वर्ग पर केंद्रित है, आम जन का इतिहास हमें इससे, जानकारी से कम मिलती है। अगला शासक शाहजहाँ, उसके काल में
दो तीन बादशाहनामा पातशाहनामा ग्रंथ लिखे गए, जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे लिए है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी का पातशाहनामा। इससे शाहजहाँ के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, कैसे वो शासक बना, क्या क्या उसने योजनाएं कार्यान्वित की, ताजमहल का निर्माण वगैरह, जो सफवी शासकों के विरुद्ध जो अभियान भेजा गया था बल्ख में, उस अभियान का भी कुछ वर्णन हमें इसमें मिलता है। अगला मुगल शासक था औरंगज़ेब। आपको जानते हैं कि बड़े ही विवादास्पद चरित्र व्यक्तित्व का धनी है इतिहास में ये। इसने जो है अपने शासन का आधिकारिक इतिहास लिखवाना प्रारंभ किया और लेखक थे मोहम्मद काजिम। पुस्तक का नाम था आलमगीरनामा। तो पहले 10 वर्षों का इतिहास तो लिखा गया, लेकिन जैसा कि औरंगज़ेब का स्वभाव था, भड़क गया, उसे पसंद नहीं आया, तो उसने फिर इतिहास लिखवाना अपने समय का बंद कर दिया। इस कारण इस पुस्तक में आपको सिर्फ शुरुआत के 10 वर्षों का इतिहास ही जानने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से प्राचीन समय में, मध्यकाल में, मतलब जो आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न युग है, उससे पहले जो औरतें पढ़ी लिखी होती थी, जो किताबें लिख सकती थी, वो मुझे विशेषकर आकर्षित करती हैं। और हम सभी को करना चाहिए कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब औरतों से उम्मीद की जाती थी कि वो घर की चार दीवारी में रहेंगी, खाना बनाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उस दौर में भी कुछ औरतें पढ़ लिख लेती थी और इतना कि वो किताबों की रचना कर सके, हमें उस समय के इतिहास की कुछ जानकारी दे सके। ये जिस औरत की मैं बात कर रही हूँ वो है गुलबदन बेगम, बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन, अकबर की भुआ। अकबर के अनुग्रह पर उन्होंने हुमायूं के जीवन की प्रमुख घटनाओं, जिसकी वो खुद प्रत्यक्षदर्शी थी, साक्षी थी, उसको उन्होंने लिखा। इस पुस्तक का नाम है हुमायूंनामा। अब यही बात आ रही है कि आपको हुमायूं के जीवन की जानकारी मिलेगी, उसके कैसे उसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, अकबर का जन्म है, क्या उसने कष्ट भोगे, मालदेव के उसके साथ संबंध है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा की गई है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ भी वही है कि आपको हुमायूं के बारे में, इनके मुग़ल परिवार के बारे में तो चर्चा मिलेगी, लेकिन सूर्यवंश के बारे में और दूसरा जो अगर देखना है तो उसके लिए आपको दूसरी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद मुग़ल काल में कुछ शासक पढ़े लिखे भी हुआ करते थे, इन्होंने अपनी आत्मकथाएं भी लिखी हैं। 2 आत्मकथाएं अपने सामने हैं मुग़ल शासकों में। एक तो है तुज़ुक-ए बाबरी, लेखक है इसका बाबर। अब बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि आपसे जब पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या है, तो आप दिमाग में अच्छी तरह से बिठाइए, क्योंकि ये लोग तुर्की से आए थे शुरुआत में, तो तुज़ुक-ए बाबरी की जो रचना की गई है वो तुर्की भाषा में की गई है, टर्किश है इसकी लैंग्वेज। बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना के सानिध्य में उसने इसका अनुवाद किया, और ये अनुवाद जो है बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। बाबरनामा फारसी भाषा में रखा गया, बाकी जो सारी तुज़ुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में है और बाबरनामा है फारसी भाषा में। सारे ग्रंथ अपने लगभग फारसी में ही हैं अभी तक, जब तक यूरोपियन कंटेंट अपने पास नहीं आता है। बाबरनामा या तुज़ुक-ए बाबरी के बारे में कहा गया है कि वास्तविक दृष्टि से इतिहास का ग्रंथ है। बाबर जब भारत आया तो उसने बड़ा ही, सिर्फ यह शासक वर्ग ही नहीं है, भारत की जलवायु के बारे में, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, संस्कृति, उनके बारे में बड़ी ही रोचक टिप्पणियाँ उसने की है। उसमें से एक टिप्पणी यही है कि यहाँ जो है हिंदुस्तान में 3 चीज़ें मुझे बड़ी परेशान करती है, एक तो लू, पसीना और धूल। तो काबुल से आया था, जाहिर है कि उसको गर्मी का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो आज भी हम देखें तो वास्तव में उस वक्त बाबर को भी बड़ी तकलीफ होती थी, जैसे हमें आजकल गर्मियों में हुआ करती है। अगला जो मुग़ल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, तुज़ुक-ए जहांगीरी, लेखक है जहांगीर। फारसी भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है। वैसे जहांगीर का चरित्र थोड़ा सा हम विवादास्पद कह सकते हैं, कि कुछ इतिहासकार उसको कहते हैं कि नूर जहां को उसने सारा प्रशासन अपने हाथ में दे दिया, बेखबर रहा ये, फला फला शराब अफीम, बड़ा ही शौकीन था। तो इसके चरित्र को जानने का अगर हम उसके दृष्टिकोण से देखें तो तुज़ुक-ए जहांगीर जो है जहांगीर के चरित्र का एक और आयाम देती है कि वो क्या सोचता था या कैसे उसने प्रशासन संभाला या नहीं संभाला। ये तो आए हैं जो आधिकारिक इतिहास लिखवाए गए थे दरबारियों से। उसके बाद में कुछ ऐसे भी थे जिनके इतिहास के प्रति रुचि के कारण, या जिनको शायद लगता था कि एक
पक्षी इतिहासी लिखा जा रहा है, उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी। इसमें एक जो पहली पुस्तक का जिक्र हम करना चाहेंगे वो है मुंतखब उल तवारीख। लेखक है बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये मुग़ल दरबार में था, हालांकि इसको बहुत ही कम मनसब दिया गया था और कहते हैं कि अबुल फजल से ये जला भी करता था। तो इसके कारण इसने जो है अपनी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये दरबार का ही इतिहास नहीं है, वो आम जन की सोच को भी लाना चाह रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा अकबर की नीतियों की वो आलोचना कर रहा है, ज़बरदस्त आलोचना कर रहा है, लेकिन आलोचना की वजह क्या है इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा। वो खास करके अकबर की धार्मिक नीतियों से बहुत दुखी था और इस कारण वो आलोचना करता है। तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है उसका लेखन, ये ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ अबुल फजल अकबर की तारीफ़ ही कर रहा है, यहाँ उसकी आलोचना भी हो रही, तो हम इन दोनों ग्रंथों के बीच में अच्छा इतिहासकार बैलेंस बिठाता है, संतुलन बिठाता है और फिर देखता है कि किस तरह से इनसे हम इतिहास लिख सकें। अगली रचना है मुंतखब उल लुबाब, जिसके लेखक है खफी खान। मैंने बताया था कि औरंगज़ेब ने जो है इतिहास को, लेखन को बिल्कुल ही कहा कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है, तो खफी खान ने जो है वो बिल्कुल गुप्त रूप से अपना ग्रंथ लिखा, इसके कारण इसको खफी खान कहा गया है। इसमें जो है औरंगज़ेब के जीवन के जो बात की घटना है, मुग़ल मराठा संघर्ष है, शिवाजी के साथ उसका संघर्ष है, उन घटनाओं का एक खाका खींचा गया है। तो छुप करके लिखा गया है, उसको कोई लालच नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि शायद उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष रहा होगा। लेकिन फिर भी पढ़कर कोई भी ग्रंथ पर अपनी राय देने से पहले हमें उसके लाभ हानि के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। उसके बाद ये तो आ गई कि आपकी दिल्ली दरबार में क्या हो रहा है, शासक क्या कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय रचनाएं भी हमें कुछ ज्ञात होनी चाहिए। तो इनमें से कुछ रचनाओं के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला ही अपने रचना है, राजस्थान में जो इतिहास लेखन किया जाता था वो कहलाता था अपना ख्यात। आप जानते ही हैं ख्यात जो होती थी, किसी राज्य का इतिहास हुआ करता था और उसके आसपास में जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ विदेशी संबंधों के बहाने उन राज्यों के भी संक्षिप्त इतिहास की जानकारी ख्यातों से हमें मिल जाती थी। सबसे जो महत्वपूर्ण ख्यात है, जानते हैं आप, मुनोद नैन्सी की ख्यात है, जो कि जोधपुर राज्य का आप कह सकते हैं कि एक तरह से इतिहास है। जोधपुर के बहाने जिन पड़ोसी राज्यों से उसकी सीमाएं टकराती थी, संघर्ष थे, दोस्तीपूर्ण रिश्ते थे, विवाह संबंध थे, तो उनका भी एक इतिहास खाका हमें मिल जाता है। इसके अलावा मराठी में जो लिखे गए थे लोकल वृत्तांत, वो बखर कहलाते थे, शिवाजी के प्रशासन, पेशवाओं के प्रशासन, उनकी कुछ लोकल लैंग्वेज में जो जानकारी अगर आप लेना चाहें तो बखर से मिल जाएगी। और वैसे ही असमिया भाषा में बुरंजियाँ लिखे गए जो वृत्तांत, जैसे हमारे राजस्थान में ख्यात कहलाते थे, असम में बुरंजियाँ कहलाते थे, इनसे हमें अहोम शासकों के बारे में जानकारी मिलती थी। अब हमारा जो अंतिम स्रोत है, जो कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है यूरोपियन यात्री। कई यूरोपियन यात्री मुग़ल साम्राज्य को कोई देखने के लिए, व्यापार करने के लिए, कुछ धर्म प्रचार के लिए या कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, अपने जीवन को और रोचक बनाने के लिए यात्राएं किया करते थे। तो कईयों ने अपने विवरण लिख रखे हैं, इनमें से कुछ एक जो महत्वपूर्ण है, जो कि हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में मैं चर्चा कर देती हूँ। पहला है फादर मॉन्सरेट, इसकी पुस्तक का नाम है कमेंट्रीज। फादर मॉन्सरेट जो था वो उन पादरियों के दल में आया था जो कि अकबर को कैथोलिक धर्म के बारे में शिक्षा देना चाहते थे, तो उसने अपना विवरण लिखा है। हालांकि अकबर ने जो ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए वो थोड़ी सी उसकी आलोचना कर रहा है। इस तरह से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा उसके विवरणों से। अगला जो अपना यात्री है वो है ट्रेवर्नियर। कहते हैं कि इसने जो है भारत की 6 बार यात्रा की और इसका यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है 6 वोएजेस के नाम से। ट्रेवर्नियर ने जो है भारत के व्यापार का, हस्तशिल्प, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, उसने इसमें इसका अच्छा सा विवरण दे रखा है, आप देख सकते हैं। अगली पुस्तक है स्टोरियो डी मोगर, लेखक है मनुची, जो कि एक इटैलवी यात्री था। इसने जो है उत्तराधिकार जो युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच, उसका ये प्रत्यक्षदर्शी था, तो इस प्रत्यक्षदर्शी के कारण इसने जो अपना विवरण लिख रखा है हमें देखना चाहिए। लेकिन एक बात है, भारत की आर्थिक स्थिति पर इसने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन बाज़ार में सुनी सुनाई बातों पर उसने बहुत सारा कुछ लिख दिया है। और दूसरा कि यूरोपियन यात्री भारत की संस्कृति को नहीं समझ सकते थे, तो शायद उसका विवरण है पढ़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि बाहर से आया हुआ था, भारत की परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज, आचार विचार उनसे ये वाकिफ नहीं था।
अंतिम यात्री जो है वो है बर्नियर। पुस्तक का नाम है ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। बर्नियर जो था वो दारा शिको का फिजिशियन था, चिकित्सक था, लेकिन जब दारा शिको उत्तराधिकारी युद्ध में हार गया तो उत्पाद कहते वापस चला गया, और बाद में मुगल अमीर था दानिशमंद खान उसके ये जो है साथ में रहने लग गया। इसने अपना विवरण लिखा है ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, बड़ा ही रोचक वर्णन किया है कैसे उत्तराधिकार युद्ध के बारे में औरंगज़ेब के शासन काल का। इसके अलावा भी कई सारे स्रोत हैं, यूरोपियन स्रोत भी हैं, भारतीय स्रोत भी हैं, लेकिन मुख्य जो है समय अभाव के कारण जिन स्रोतों से हमको परिचित आवश्यक रूप से होना चाहिए उनकी एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दी है। आशा है कि आज का जो हमारा व्याख्यान है उससे आपके इतिहास के ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, और साथ ही साथ और भी कुछ जानने के लिए आप उन्मुख होंगे, यही इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य है। अगले वीडियोस के लिए फिर से सब्सक्राइब कीजिए कॉलेज का जो है ऑफिशियल चैनल, और अगले वीडियो से आप अपडेट होते रहें। धन्यवाद।